इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। नाना विधि कथाएं हम लोग करते हैं, कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ नहीं होता है, कहीं कुछ नहीं होता है, कहीं बहुत होता है, कहीं बहुत होता है। आपके साथ बड़ा आनंद हुआ। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथ। गिरिनाथ भगवान शिव अगस्त जी महाराज के आश्रम पर कुछ दिन कथा कहते सुनते सुनते कहते रहे और फिर 9 दिन बाद विदा लिए। नौ दिवस की कथा में किसको क्या मिला ये उसका अपना विवेक है, मुझे क्या मिला ये मेरी समझ है। शिव जी ने भी कथा सुनी और सती जी ने भी कथा सुनी। शिव जी भक्ति रस में डूबे रहे और सती माँ को संशय ही बना रहा कि जो कथा ये कहते हैं ऐसी थोड़ी सुनाएंगे, तो हम तो घर में ही सुन लेंगे। नौ दिन गुजर गए, विदा हुई तो भगवान का दर्शन भया। भगवान का दर्शन दोनों को भया, शिव जी ने प्रणाम किया, माता ने संशय किया, परीक्षण हुआ, परिणाम आपको मैंने सुनाया। कथा केवल विश्वास है, बिनु विश्वास भगति नहीं, तेह बिनु द्रवहीन राम, राम कृपा बिनु सपने हो जीव अखिल विश्राम। कथा विश्राम देती है, आराम। कथा में हलचल नहीं है, बड़ी शांति। सुख हमारे मन का है, दुख भी हमारे मन का है। जो जितना अपने में अवस्थित है वो उतना सुखी है, जो जितना अपने से दूर है वो उतना दुखी है। आप निश्चित अनुभव करेंगे, शांत रहा जा सकता है, शांत कराया नहीं जा सकता। शांत जो रहने का अभ्यास कर लेगा वही शांत रहेगा। ये बातें अभ्यास की हैं, प्रवचन की नहीं है कि हम कह दिए आप सुन लिए तो हो गया, नहीं। आप जिस स्वभाव का अभ्यास कर लेंगे उसमें अवस्थित हो जाएंगे। अभ्यास नहीं हुआ तो अवस्थित होना बड़ा मुश्किल है। कौन किसका अभ्यास कर ले रहा है? चलते चलते हम सभी बातें आपसे मीठी मीठी ही करेंगे।
8 दिन तो खट्टा मीठा कड़वा सब सुना दिया, आज नहीं सुनाएंगे, आज मीठा मीठा सुनाएंगे आप। घर में, परिवार में, व्यवहार में जितना मधुरता रखने का अभ्यास हो करिए, अपनी ओर से करिए, दूसरे से मधुरता की अपेक्षा न करिए। उनको कैसा रहना चाहिए, अतः उनको जैसा रहना है वैसा रहना चाहिए, हमको कैसा रहना चाहिए, मधुर रहना चाहिए। हमको मधुर रहना चाहिए, हमको शांत रहना चाहिए। जितना सहज रहेंगे उतना शांत, शंकर सहज स्वरूप संहारा, लागे समाधि अखंड शिव जी से अधिक तो समस्या हमारे पास नहीं है। लेकिन शिव जी सर्वकाल शांत रहते हैं, अखंड शंकर सहज। जीवन में जितना सहजता है उतना आनंद है। जितना खिचड़ी पकेगी उतना आनंद घटेगा। जितना उलझ गुलझ होगा विहार व्यवहार उतना तनाव बढ़ेगा। महाराज कहां तक, जहां तक कर सकने में सक्षम हो। हमको यह दर्शन करना होगा कि हम जो व्यवहार विहार तप एकत्र किए हैं इसका हमको कुछ भोग है या नहीं है, मगर नहीं है। पांचवें या छठे दिन की कथा में हमने आपसे निवेदन किया था, अवस्था अथवा व्यवस्था दोनों में एक को लक्ष्मण रेखा बनाया जाए। आवा आवा, किस अवस्था तक हम यात्रा करेंगे अथवा कितनी व्यवस्था तक यात्रा करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, अतः उसके बाद शांति का अन्वेषण करेंगे। जीवन रहते ही शांति का अभ्यास हो, बेचैनी न हो। शांति अपनी है तभी सुख है, दूसरे की अपहरण करके लाएंगे तो दुख बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा, त्रास मिलेगा। प्रातस्मरणीय पूज्य पंडित रामकिंकर महाराज जी का चिंतन ऐसा है, सीता मैया शांति है, रावण को पता चला, उसने सोचा राम जी के पास शांति है, उसको हरण करके लाते हैं तो हमारे यहां भी शांति हो जाएगी, हरण करके ले आया, उसके अशांति हो गई। महापुरुष का चिंतन है, हम शांति अपहरण करके लाएंगे तो शांति नहीं बनेगी, हम अभ्यास करेंगे तभी बनेगी। कैसे बनेगी ये पंक्तियां देखिए,
शांत। शांति और संतोष छोड़ मृग तृष्णा मत पालो, गायत्री परिवार के बड़े अच्छे साधक हैं, वर्तमान में हैं, श्रद्धेय मंगल विजय जी, उनकी रचना है। परम पिता ने स्वतंत्रता से युक्त किया तुमको, परम पिता ने स्वतंत्रता से युक्त किया जननी ने दे जन्म गर्भ से मुक्त किया तुमको, मुक्त किया तुमको, अरे हाँ मुक्त किया तुमको, हो बंधन से मुक्त गले में फंद मत डालो, हो बंधन से गले में फंद मत डालो, उन मकड़ी सा जाल स्वयं को कैद न कर डालो, स्वयं को कैद न कर डालो, अर्थ नहीं। साधक कह रहा है कि महत्वाकांक्षा बढ़ाओ मत, इच्छाएं कितनी आकांक्षाएं कितनी नींद न जाए हो,
जीवन सहज चलता रहे इतनी आकांक्षाएं बहुत अच्छी है। भूमि परा कर गहत आकाशा, लक्ष्मण जी ने खत लिखा इसको रावण को कि तजी मान अनुज इव पद पंकज ब्रिंग होई कि राम शरण ल खलकुल सहित पतंग। लक्ष्मण जी ने पत्र भेजा कि छोटे भैया जैसे सब कुछ छोड़कर भगवान की शरण में आ जा, नहीं तो पतंगा आस राम बाण से जर जाएगा। रावण ने उस पर टिप्पणी की, भूमि परा कर गहत अकाशा लघु तापस कर बाघ बिलासा। झुकता नहीं रावण, हाँ क्या है मानव जीवन देव दुर्लभ है मित्रों माताओं, इस जीवन को पाकर यदि हम आनंदानुभूति नहीं ले पाए तो समझना होगा कुछ मेला नहीं। आज जो पद चल रहा था, आज या कल, कहना होगा कुछ करने से। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।